मिली है गांधीनगर में, बताया जा रहा कि कार में लाश मिली है। मानस अग्रवाल ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर कौन ये शख्स हो सकता है इस हत्या के पीछे, जो आशंका मानक अग्रवाल की तरफ से जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच में जुटी हुई है। था बहुत ही सीधा था, अपने काम धंधे से मतलब रखता था। उसकी पत्नी है, उसका दो बेटे हैं, एक तीन साढ़े तीन साल का, एक तीन महीने का, और उसकी माँ है। इसके अलावा उसके परिवार में पत्नी है, वे सब पूरे परिवार को चलाता था किसी से। और सुरेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ और फिलहाल जानकारी, क्योंकि मानक अग्रवाल जो है उन्होंने हत्या की आशंका जताई है, कहाँ पर यह लाश मिली है और पुलिस क्या कह रही है फिलहाल? जी, जानकारी के मुताबिक जैसे कि पुलिस ने अभी कहा है कि अभी पुलिस कुछ भी कहने की तैयार नहीं है, पुलिस अभी से जांच कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह गांधीनगर, भोपाल के गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश में उसकी तफ्तीश की गई, तो वो नवनीत अग्रवाल जो कि मानक अग्रवाल कांग्रेसी नेता है, उनके रिश्तेदार के रूप में शनाख्त की गई। जिसके बाद जांच की तो पता चला कि रात को 12 बजे के बाद से उनका कोई भी घर पर कोई भी संपर्क नहीं हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानक अग्रवाल ने जो है इसमें हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि शराब में नशीला पदार्थ मिला करके उनकी हत्या की गई है। और फिलहाल पुलिस से हमने बात की, पुलिस का ये कहना है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बस मामले की जाँच की जा रही है, हर पहलू से जाँच की जाएगी और जो भी होगा उस पर देखा जाएगा उसको। लेकिन हत्या का शक सुरेंद्र किस पर जताया जा रहा है? मानक अग्रवाल जो इशारा करें कि शराब में कुछ मिलाकर उन्हें पिलाया गया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई, परिजनों से कोई बातचीत हो पाई है, कोई रंजिश की बात सामने आ रही है? जी नहीं, रंजिश की बात सामने नहीं आई है, कोई रंजिश नहीं थी। जैसा कि मानक अग्रवाल से बात की गई है तो मानक अग्रवाल ने बताया है कि जो मृतक है वो बहुत ही सीधा था, उसका कोई किसी से कोई भेद नहीं था, कोई भी किसी से किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं था, बहुत ही सीधे टाइप के व्यक्ति थे, एक बिजनेसमैन थे, उनकी भोपाल में एक शॉप भी है, तो बिजनेस का काम करते थे। हो सकता है कहीं ना कहीं बिजनेस में कहीं मनमुटाव हो, कुछ वजह हो जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो, तो वो तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा, सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर क्या वजह है, हत्या है या बिजनेस में लॉस होने की वजह से आत्महत्या है, ये सारी चीजें अभी के बाद। ये तस्वीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए।